अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। लयन काय के कार्य, लयन काय के कार्य, इसमें जो पहला कार्य है डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस का मतलब हुआ कि जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ अंतर कोशिकीय पदार्थ, इनका क्या करना है? डाइजेशन करना है। पहला पॉइंट है डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। इसमें प्रोटीन्स, फैट्स, प्रेजेंट इनसाइड सेल। जो भी पदार्थ प्रोटीन हो या वसा हो जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उनका पाचन करना, उन अंतर कोशिकीय पदार्थों का पाचन करना लयन काय का सबसे प्रमुख कार्य है। और दिस इज डन ड्यूरिंग स्टारवेशन। एंड दस न्यूरिशमेंट इज प्रोवाइडेड बाय लाइसोसोम, बाय लाइसोसोम्स। अभी पहला पॉइंट हमने कहा कि जो अंतर कोशिकीय पदार्थ हैं, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो वसा हो, जो कोशिका के अंदर मौजूद है उसका डाइजेशन करना लयन काय का कार्य है। लेकिन ये कब करना है? दिस इज डन ड्यूरिंग, दौरान किसके? स्टारवेशन, उपवास कहते हैं जिस दिन भोजन ना मिला हो, जिस दिन कोशिका को भोजन ना मिला हो उस दिन अंतर कोशिकीय पदार्थों का डाइजेशन करना है। अगर भोजन नहीं मिला है और अंतर कोशिकीय पदार्थ प्रोटीन है या फैट है, यदि उनका पाचन करके ऊर्जा प्रदान कर रहा है लयन काय, तो दस इस प्रकार न्यूरिशमेंट पोषण प्रदान करता है कोशिका को। न्यूरिशमेंट इज प्रोवाइडेड बाई लाइसोसोम। उपवास के समय कोशिका को पोषण प्रदान करने का कार्य भी लाइसोसोम करता है। अगला पॉइंट देखेंगे डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्टिकल। अभी हमने कहा अंतर कोशिकीय पदार्थ, दूसरा है डाइजेशन ऑफ
एक्सटर्नल पार्टिकल, ये जो बाहरी तत्व है, बाहरी पदार्थ है, बाहरी कण है, उनका डाइजेशन करना भी इसका एक कार्य है। और ये कैसे करता है? द एक्सटर्नल पार्टिकल आर टेकन inside the cell through process of phagocytosis और पिनोसाइटोसिस। ये जो पार्टिकल है, एक्सटर्नल पार्टिकल जो कोशिका के बाहर से कण आते हैं उनका डाइजेशन करना है। और आते कैसे हैं? द एक्सटर्नल पार्टिकल जो बाह्य कण है आर टेकन, लिए जाते हैं इनसाइड अंदर की तरफ द सेल, कोशिका के अंदर की तरफ लिए जाते हैं थ्रू प्रोसेस, वो क्रिया चाहे फैगोसाइटोसिस हो या पिनोसाइटोसिस हो। जब कोई ठोस पार्टिकल लिया जाता है तो फैगोसाइटोसिस कहते हैं, भक्षण क्रियाएं, भक्षण। और अगर कोई द्रव के रूप में लिया जा रहा है तो पिनोसाइटोसिस होता है। जो ठोस होता है उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। कि इसमें एक्सटर्नल पार्टिकल जो है वो एक प्रक्रिया के तहत ली जाती है जिसको हम फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और ये द सेल वॉल करती कैसे है? द सेल वॉल फॉर्म एन इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन इसको कहते हैं अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, इन विच द मॉलिक्यूल इज इनक्लोज्ड एंड ए वेसिकल आर फैगोसोम आर पिनोसोम्स इज फॉर्म्ड। हमने ये जो अभी कहा कि भक्षण क्रिया के द्वारा जो भी पार्टिकल अंदर लिए जाते हैं वो कैसे होता है? द सेल वॉल फॉर्म एंड इनवेजिनेशन, वो सेल वॉल जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, वो जो है क्या करती है? उसका अंतर ग्रहण करती है, अपने आप को सिकोड़ती है, वो पार्टिकल आ जाएगा। मान लीजिए ये है कोशिका, यहां तक थी, यहां पार्टिकल है, तो पहले ये अंदर धस जाएगी
और ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा और बाद में ये इसको भर लेगी और ये एक वैक्यूल बन जाएगी, एक रिक्तिका बन जाएगी भक्षण क्रिया का। व्हिच द मॉलिक्यूल इज इनक्लोज्ड एंड बेसिकली एक थैली बन जाएगी, जिसको थैली भी कह सकते हो, फैगोसोम्स भी कह सकते हो और पिनोसोम्स भी कह सकते हो। अगर ये ठोस पदार्थ का जैसा है तो फैगोसाइटोसिस से है तो फैगोसोम्स है और पिनोसाइटोसिस से तो पिनोसोम्स इज फॉर्म बन जाते है। अब जब ये दोनों फैगोसोम्स या पिनोसोम्स बन जाएंगे तब अगला कार्य लेनकाई का क्या है, अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं। द फैगोसोम्स अटैच विथ द लाइसोसोम द एंजाइम ऑफ विच डाइजेस्ट इट। ये जो फैगोसोम्स बने थे ये जुड़ जाते हैं किससे, लाइसोसोम्स। जो पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस के दौरान फैगोसोम्स या पिनोसोम्स बने हैं ये लाइसोसोम से जुड़ जाते हैं और लाइसोसोम का जो एंजाइम है वो इनका पाचन कर देता है। अगला पॉइंट है सेलुलर डाइजेशन, सेलुलर डाइजेशन। कोशिकीय पाचन, अभी हमने कहा कि जो कोशिका के अंदर पहले से प्रोटीन हो, वसा हो, उसका पाचन। फिर कहा जो बाहर से कोई पदार्थ आए उसका पाचन। और तीसरा ये देख रहे हैं कि सेलुलर डाइजेशन कोशिकीय पाचन, द एंजाइम फ्रॉम द लाइसोसोम ऑफ ए डेड सेल आर रिलीज्ड which digest the cell organelle। और इसको कहते हैं ऑटोफेजी। ध्यान दीजिएगा, हमने सेलुलर डाइजेशन कोशिकीय पाचन की बात की। द एंजाइम फ्रॉम द लाइसोसोम, लाइसोसोम का वो एंजाइम ऑफ ए डेड सेल। जब कोई कोशिका मृत हो जाती है तो उसका लाइसोसोम रिलीज करता है एक ऐसे एंजाइम को व्हिच डाइजेस्ट, जो पाचित कर देता है द सेल ऑर्गेनेल्स अन्य कोशिकाओं को, चाहे वो माइटोकांड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जब सेल ही डेड हो गई है तो उसमें माइटोकांड्रिया का क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो ए डेड सेल
आर रिलीज्ड द एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट द सेल ऑर्गेनेल्स, और वो एंजाइम जो है वो अन्य कोशिकांगों का पाचन कर देते हैं, और इसी क्रिया को कहते हैं ऑटोफेजी। दूसरी चीज है, जब सारे कोशिकांग खत्म हो जाएंगे, कोशिका भी डेड हो गई है, तो कोशिका को भी हटाना, कोशिका को भी पचाना है। वो कैसे पचाएंगे? फर्दर फिर लिखते हैं ऊपर। फर्दर हाइड्रोलिसिस रिलीज्ड बाय लाइसोसोम ऑफ डैमेज सेल। Digest them. और ये क्रिया कहलाती है ऑटोलिसिस। अभी हमने एक क्रिया पढ़ी थी ऑटोफेजी और दूसरा है ऑटोलिसिस। ध्यान दीजिएगा, जब कोई कोशिका मृत हो जाती है तो उसमें से हार्मोन्स निकलते हैं जो कोशिका के अन्य अंगों को नष्ट करते हैं, वो क्रिया ऑटोफेजी कहलाती है। उसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस जल अपघटन करने वाले एंजाइम जो है वो रिलीज होते हैं, छोड़े जाते हैं बाय लाइसोसोम, लाइसोसोम के द्वारा। और किसके लिए? जो डैमेज हो गई है सेल, जो क्षतिग्रस्त हो गई है, उस कोशिका को समाप्त करने के लिए, क्षतिग्रस्त कोशिका को पचाने के लिए हाइड्रोलिसिस एंजाइम रिलीज किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं, और वो पूरी की पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, और इस क्रिया को ऑटोलिसिस कहते हैं। जब कोशिकांग डैमेज किए जाए, खत्म किए जाए, पाचित किए जाए, तो वह ऑटोफेजी है, और जब पूरी की पूरी कोशिका को नष्ट कर दिया जाए तो उसको ऑटोलिसिस कहते हैं। और यही एक कारण है कि सो द लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल वेब। ये अपनी कोशिका को, पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड, इसलिए लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल वेब, आत्महत्या, आत्महत्या के थैले, सुसाइडल बैग के रूप में भी इसको जानते हैं। अब ये तो काम हुआ कोशिका को समाप्त करने का। अगला कार्य है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, कोशिका के बाहर पाचन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कोशिका के बाहर पाचन, और यह कब होता है? एंजाइम रिलीज आउट
आउटसाइड ऑफ सेल, ये कोशिका की के बाहर की तरफ एंजाइम रिलीज होता है। एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे, प्रोटेक्टिव कोट ऑफ ओबम, इज डिजॉल्व बाय द एंजाइम लिबरेटेड बाय द लाइसोसोम ऑफ स्पर्म। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, जो बाह्य कोशिकीय पाचन है, इसमें एंजाइम रिलीज किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल, कोशिका के बाहर की तरफ। जैसे कि प्रोटेक्टिव कोट जो रक्षात्मक खोल है, रक्षात्मक खोल किसका? ओबम, अंडे का। जो अंडा होता है उस पर एक प्रोटेक्टिव कोट होती है, रक्षात्मक खोल होती है, उसको डिजॉल्व करते हैं, घुला देते हैं बाय द एंजाइम ऑफ लाइसोसोम लिबरेटेड बाय द लाइसोसोम ऑफ स्पर्म। जो शुक्राणु का लाइसोसोम है वो ऐसे एंजाइम को निकालता है जो अंडे के रक्षात्मक खोल को गला देता है और शुक्राणु अंडे में प्रवेश करने में सहायता पाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ मिटोसिस, द प्रोसेस ऑफ मिटोसिस इज इनिशिएटेड बाय द लाइसोसोम। ये मिटोसिस एक प्रक्रिया है कोशा विभाजन की। जिसको हम कहते हैं असूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अर्धसूत्री कोशा विभाजन, असूत्री कोशा विभाजन। तो मिटोसिस जो है ये कोशा विभाजन की एक प्रक्रिया है, इसको असूत्री विभाजन भी कहते हैं। इनिशिएटेड प्रेरित करता है, शुरुआत करता है लाइसोसोम। जो असूत्री कोशा विभाजन की क्रिया है इसमें शुरुआत करने का श्रेय लाइसोसोम को जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, लाइसोसोम रिड्यूस द नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनेल्स, जो अन्य कोशिकांग हैं उनकी संख्या को भी लाइसोसोम कम कर देता है। एक और पॉइंट देखेंगे, डिसअपीयरेंस ऑफ टैडपोल
टेल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इज ब्रॉड अबाउट बाय लाइसोसोम। आप लोगों ने पढ़ा होगा टैडपोल लार्वा, टैडपोल ये लार्वा का नाम है किसके, मेढक। जो मेढक का टैडपोल लार्वा है डिसअपीयरिंग गायब होना, क्या पूंछ, क्योंकि लार्वा में पूंछ होती है वो गायब होती है ड्यूरिंग दौरान किसके, मेटामॉर्फोसिस कायांतरण के। जब काया का अंतरण होता है, जब एक रूप से दूसरे रूप में टैडपोल लार्वा जो है मेढक बनता है, उस समय उसकी पूंछ का गायब होना लाइसोसोम की देन है। यदि टैडपोल लार्वा से लाइसोसोम ग्रंथि निकाल दी जाए तो कभी भी वो मेटामॉर्फोसिस में नहीं जाएगा, उसकी पूंछ गायब नहीं होगी। अगला है ऑस्टियोक्लेट्स, रिलीज द एंजाइम टू डाइजेस्ट द बोन। अगर हड्डी को पचाने की बात है, हड्डी को गलाने की बात है, तो ऑस्टियोक्लेट्स नामक एंजाइम जो है वो लाइसोसोम रिलीज करता है, छोड़ता है हड्डी को पचाने के लिए। अब एक अंतिम पॉइंट हम लोग देखेंगे जिसमें कौन कौन से एंजाइम है और वो किन किन पदार्थों पर कार्य करते हैं, ये भी नोट कर लें। एक एक मैं लिखता जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबस्ट्रेट ऑन विच एंजाइम एक्ट्स, वो कौन से पदार्थ हैं जिन पर एंजाइम क्रिया करता है। पहला है एंजाइम का नाम लिखते हैं पहले, राइबो न्यूक्लिएजेस। ये कार्य करता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम कहते हैं आरएनए, ठीक है। दूसरा है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिएजेस, ये कार्य करता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पर। तीसरा है फास्फेटेजेस, ये काम करता है फास्फेट इस्टर्स पर, इसको बोलते हैं बूंद, स्टर्स बूंद या कण कह सकते हो,
ये फास्फेटेज जो है ये फास्फेट इस्टर्स पर कार्य करता है, दूसरा है ग्लाइकोसिडेज, ग्लाइकोसिडेज, ग्लाइकोसिडेजेस लिख रहे हैं। ये पॉलीसेक्राइड, और ग्लाइकोसाइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स इस पर कार्य करता है। और एक है सल्फाटेज, सल्फाटेज ये करता है सल्फेट इस्टर्स पर। ये अभी हमने पढ़ा कि वो पदार्थ जिन पर एंजाइम कार्य करता है, एंजाइम का नाम है राइबोन्यूक्लियेसेस, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड पर कार्य करता है, उसको पचाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेसेस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए को पचाता है, फास्फेटेजेस है फास्फेट इस्टर्स को पचाता है, और ग्लाइकोसिडेज ये पॉलीसेक्राइड हो या ग्लाइकोसाइड्स हो इनको पचाने का कार्य करता है, सल्फाटेजेस सल्फेट इस्टर को पचाने का कार्य करता है। इसके बाद हम आप फिर मिलते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनेल्स के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।